एम एफ हुसैन साहब की कोई भी पेंटिंग का एक राज रहता था, और इस पेंटिंग का खास राज ये है कि मुर्गा सबसे पहले मुर्गा अजान देता है, मुर्गा अजान देने के बाद सीधा नूर मोहम्मदी की तरफ भाग रहा है नाश्ता करने के लिए. Mumbai is a city full of extraordinary restaurants and eateries, but what sets every single one of these apart is their specialities. At Mohammad Ali Road stands the Noor Mohammadi Hotel, with its special dish crafted by Sanjay Dutt himself. This is Chicken Sanju Baba. Just as the name goes, so does the story. A younger Sanjay Dutt, fond of Nali Nihari at Noor Mohammad, handed over his own chicken recipe for the owner to sell. Here's Khalid Hakim, the owner of the restaurant, telling us how it went down. अच्छा उस टाइम पे चलते थे दिलीप साहब दस साहब जाते थे रिबन काटने कहीं पर भी वो कौन है चीफ गेस्ट. अच्छा मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार हम हमारी उम्र वाले को बुलाएंगे जो हमारे एज का होगा, संजय दत्त को बुलाएंगे. जब उनकी सिर्फ रॉकी फिल्म आई थी इत्तेफाक से उनके कजिन जो है ना वो मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले थे. मैंने उनसे बात किया, अरे बोले यार खालिद वो तो रेगुलर कस्टमर है हम लोग सुबह जो वो बोले हम लोग सुबह सुबह आके नहारी खा के आते हैं तेरे घर. तो बोला यार ऐसा था मुझे रिबन कटवानी है. मैं संजय दत्त के पास मैंने 86 में उन्हें अप्रोच करने गया था मैं संडे के दिन उनकी कजिन के साथ. जब मैंने बोला बोले कब पहुँचना है, बोला जब तुम्हारे पास टाइम हो. मुझसे बोले यार मैंने आज तक कभी रिबन काटी नहीं है. मैं बोला कसम से मैंने भी आज तक किसी से नहीं कटवाई. फिर वो आए 1 जनवरी 86. फिर एक दिन उन्होंने ये चिकन की रेसिपी छोटा भाई गया ना उसको दी कि ये मेरे नाम से बेच. और बाकायदा उन्होंने लिख के दिया मुझे राइटिंग में, क्योंकि आप पत्रकार लोग यकीन नहीं करेंगे ना जल्दी प्रेस वाले. अब यार तुम ऐसे ही नाम रख दिया. उन्होंने पूछ लिया आर यू अवेयर आपके नाम से एक डिश बिक रही है. तो उन्होंने कहा हाँ. The restaurant is so thankful to Dutt for sharing his recipe. Noor Mohammadi didn't sell the chicken Sanju Baba on the day that Sanjay Dutt was arrested. And on the day of his release, they gave away the dish for free to all their customers. But the restaurant isn't just privy to Dutt's recipe. They also have a sketch that MF Hussain created for them during one of his visits. 2003 तो पहले तो मुस्कुरा के मुझसे बोले आज देख रहे हो मुझे, मैं तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ. अच्छा उस टाइम पे ये रेनोवेट करा हुआ नहीं था, वही पुराना ही हेरिटेज लुक था. तो बोला सर कैसा लगा आप ज़रा इधर लिख के दिखाओ ना. उन्होंने स्केच पेन लिया और ये मुर्गा बना दिया और ये पेंटिंग बना के गए. वो उन्होंने एक्चुअली सामने एक कबाट का उसका वो था दरवाज़ा उसके ऊपर बना दिया था. फिर मैंने उसको काट के उसको फ्रेम करवा दिया. Following the chicken Sanju Baba, the Nali Nihari is one of the most popular dishes at the Noor Mohammad. The dish itself goes all the way back to the Mughal period when chefs of the royal court came up with a dish that even a toothless man could savor. The dish takes anywhere between 8 to 9 hours of preparation. The meat is cooked overnight for almost 8 hours, which makes the flesh very soft. और खाना एटमॉस्फेयर इनका जो हमको यूपी के तरफ का चाहिए उसका टच यहाँ मिलता है, यूपी और दिल्ली के टच एंड डिफरेंट. आपको बॉम्बे में ये टेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा जो इनका टेस्ट है. द लॉयल कस्टमर्स हियर लव द ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ फूड एंड सो विल यू. सो इफ यू आर अ संजय दत्त फैन और जस्ट अ सिंपल मीट लवर, नूर मोहम्मद इज द प्लेस टू बी.